अंग्रेजों को नौकरी देने वाले बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ब्रेन ड्रेन को रोकने और नौकरियों के लिए विदेशियों के आवेदन वाले बयान के विपक्ष ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि पहले हमारे घर को व्यवस्थित करने पर जोर दीजिए। दरअसल आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद सीएम भगवंत मान राज्य में नई योजनाओं को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 9 अप्रैल को महाराणा रणजीत सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय बठिंडा के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है कि यहां पर अंग्रेज भी नौकरी मांगने आएंगे। अब उनके इसी बयान पर कांग्रेस उन पर हमलावर है। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार बेरका ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार स्थानीय समस्याओं को ही हल करने में सक्षम नहीं है और मुख्यमंत्री हैं कि विदेशियों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बेरका ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने मुफ्त के नाम पर पंजाब की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया है। कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी से सवाल किया कि क्या आपने पंजाब के लोगों को नौकरी दी जो नौकरियों के लिए रो रहे हैं? बिजली की 300 फ्री यूनिट कहाँ है जिनका वादा आपने किया था, और महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा जो किया था वो आखिर कहाँ है? कांग्रेस नेता बेरका ने आगे कहा कि क्या मुख्यमंत्री पंजाब में काम करने आने वाली विदेशी महिलाओं को भी 1000-1000 रुपए देंगे या फिर वो विदेशियों को भी फ्री बिजली देंगे? उन्होंने ये कहते हुए निशाना साधा कि ये कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।